ये देखो बड़े लोग आए। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया कपड़ा पहना यूसुफ? हाँ। कब लिया? ये मैं उज्मा के साथ लाई थी ना, इसके लिए लाई थी। अच्छा लग रहा है। लाल लाल भी लाई, ब्लू भी लाई। तुमको मोमोज खाना ही पड़ेगा। अच्छा मोमोज लेके आए तुम? क्या बात कर रहे हैं। और मैं रबड़ी और गुलाब जामुन भी लाया हूँ। जी नहीं भी आई है काफी दिन के बाद। लवली लवली बोलता हूँ। हाँ चलो खाओ, इंजॉय करो। खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। अच्छा भाईजान का रख देना तुम्हारा। मेरा तू खाया ना? अभी अपन खाते तुम लोग खा के आए। हम लोग मीठा खा के आए मोमोज लेके। अबे एड़ी यहाँ आ रही थी तो ये ला दिया। करता है ना इसको, रबड़ी बहुत पसंद है। अच्छा खिलाती हूँ। प्लेट दू के ऐसी शुरू हो जाएंगे सिर्फ चटनी के लिए। उसे चलो खाएंगे। चलो 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 खाएंगे। मेरे को तो लगा तुम ट्यूशन में रहेंगे। नहीं ट्यूशन की छुट्टी पड़ गई है अभी हमको। 19 दिन की छुट्टी है। मैं इसको लेके निकलती घूमने। स्कूल की पूरी 19 दिन की छुट्टी है। हम लोग घर से निकले टहलने के लिए, रो रो के जिद्दा बस में लेके चलो। तो पांच नंबर तक बस में लेके गई। वहाँ से रबड़ी मोमोज खा के पीछे लेके रिक्शा कर दी यहाँ। अभी वही सोच रही थी क्या पकाओ क्या पकाओ क्या पकाओ। अभी उसको पूछे चल होटल चलेंगे चाइनीज राइस खा के आएंगे रोशन रोन से। तो बोलती है हाँ चलो ठंडे के साथ खा लेंगे। ये अभी तक आए ही नहीं। नहीं नहीं रे, फिर उनके लिए अलग कौन पका दे बेटेगा साथी में। नहीं नहीं दाल चावल बना दूंगी, दाल चावल बना दूंगी। क्यों बाहर? कभी कभी क्या शेफ को स्पेशली बोलना अजीनोमोटो मत कर। ये मैं अभी लारी प्लेट रुक। नहीं छोटी बिल्ली को नहीं पकड़ते। मेरा मन नहीं कर रहा है चाइनीज वाइनीज खाने का। अभी खाना पकाने के लिए कुछ भाजी वाजी कांदा विंदा नहीं है घर के अंदर। तो मैं सोची क्या करूँ। तो मैं ये बाप बेटी का तो फेवरेट ही चाहिए। मैं बोली चल खा लेंगे लोग पेट भर के। तो बोली मैं उसको नहीं तो उसमें बुरा क्या है कभी कभी निकलने का। तो कौन सा रोज रोज जाती है, महीनों में भी नहीं जाती थी। मुझे हुलिया देख, मेरा हुलिया है। चलो आ जाओ बैठो खाओ। व्हाइट वाला मोमोज बोलता है वो, स्टीम मोमोज को क्या बोलता है? व्हाइट मोमोज। ये अभी निकाली उसमें हेयरबिन लगाने के लिए। अरे ये तो तुम तो बहुत अच्छे लग रहे लाल कलर में। लाल कलर जल्दी पहनता नहीं। नहीं पहली बार मरून पहनते हैं। ये मेरे से भी नहीं बनता है। ये किस किस को आता बनाने? मेरे को आता है। मेरे को सिंगल ही आता बनाने के लिए। सिंगल ही आता वो भी उन लोग ने तोड़ दिए थे फिर कैसा भी जोड़ दिया। अरे वो बच्चा देख कैसा करता है। बाहर निकलने का रहता उसको आवाज सुन के। आजा आजा आजा। एक तो निकलने भी नहीं, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। परमिशन ले रहा है। चलिए आइए आप लोग दिखाइए। आजा यूसुफ। उस जिसको भी पानी चाहिए होगा जैसे। ओके मैडम। अम्मा ही अम्मा। उज्मा यूसुफ क्या लेते अपुन सास? और छोड़ते क्या उज्मा? चुप बैठ। क्या बेटा? अरे यूसुफ को बोल लेते। क्या छोड़ते बेटा? उज्मा चुप। अभी तो तू उल्टा कार बोल रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें सर पे बाल क्यों होते? हाँ खाली तू पूछेगी सर दुखाती रहती है सवाल कर करके। खाना नहीं होता खाने जीने ज्यादा मेरे। ये रबड़ी गुलाब जामुन पहले मन नहीं कर रहा था खाने का। जैसे ये डब्बा खोली ना वो चाटी ना तो अभी अच्छा लगा। अरे अल्लाह हाफिज तो बोल दे प्लीज। इसको जाने का अभी इसका टाइम पूरा हो गया। नहीं उसको जाने का नहीं,
मैं बोलूँ चल चल चल, तू गुस्से में खड़ा हो मेरे से पहले चप्पल चल आ जा आ, थोड़ा अल्लाह हाफिज बोल सबको, अरे बोलना अच्छे से बिग बॉस चालू क्यों, लेकिन मेरे से क्यों कट्टी हुआ रहे, ऐसे थोड़ी होता है ये सब। मैंने क्या की, मैंने क्या की, तो अच्छे से पहले भाई बोल सबको, अच्छे से बोलो, वीडियो को लाइक करो अच्छे से, आज के एकदम नहीं अब उसको जाने, खुश रहो बस, देखा प्यार से बोलो, क्यों रोते रहेगा प्यार से बोलो, एक रोतड़ी को तू आ छोड़ के, चलो प्यार, एक रोतड़ी वहां बैठी है, आ तू भी भाई बोल देना, आ जा, अरे आ आजू मेरी बेटी, रे जल्दी आओ, बजे आएगी मेरी बच्ची का आवाज में आती, जल्दी अरे भेजना भेजना, अभी यूसुफ को मैं दाल चावल खिला के भेजूंगी, खाएगा ना दाल चावल, क्यों चिकन खाएगा, हंस के बोलेगा तो तेरी बात सुनेगी पप्पू, चिंका बनाती ना, खाना भी नहीं खाया तो ऐसे नाटक कर रहा है, पप्पा को सलाम कर पहले, पप्पा है देख, चलो देख पप्पा है, पीछे तो देख पीछे तो देखा, इधर भी तो देखा, क्यों नहीं गए दोनों बच्चे, एक साथ गुस्सा वाले दोनों को इतने गुस्सा कराइए कपड़े की वजह से हुआ, और इसको घर चल बोल रही हूँ, देखो सवा दस बजा गया, चलने का नहीं है इसको, चलने का भी नहीं है, खाना भी नहीं खाने का है, कुछ भी नहीं करने का है, देखो क्या किया मैंने, क्या हुआ इतना अच्छा ड्रेस लेकर आई, बोलते है कि ये कौन सा सड़ा हुआ ड्रेस लेकर आई, बोले टिकटॉक वाले पहनते आधा पौधा नंगा पुंगा अरे उसमें बदन नहीं दिखता, अच्छा कपड़ा है वो नहीं दिखता, अरे जीनी कहा दिख रहा था बता बता, नहीं दिख रहा था लेकिन कैसा, पैंट अच्छी है और टॉप है ना छोटा दिख रहा उसको, लेकिन वो पूरा बॉडी कवर कर रहा है, कितना प्यारी दिख रही थी उसके, इसको क्या टॉप छोटा दिख रहा है तो उसको गलत फहमी हो गई, ऐसा नहीं करने का, ऐसा रोने का नहीं, आंसू पोंछो पहले, अब तू किसको मनाती, ए यूसुफ ऐसा नहीं हाथ उठा दे, गंदी बात, हाँ मेरे से कट्टी हो जा, लेकिन ऐसा हाथ नहीं उठाने का मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, मुंह देखो उसका, मेरे सामने हाथ उठाया उसने, शेरू को बताना मेरे सामने हाथ उठाया उसने, ऐसी कैजुअली किया, नहीं शेरू को बताना, मैं अभी शेरू को बताऊंगी, नहीं शेरू को बता के फिर इसको बताऊंगी, इसके माँ बाप को बता के बताऊंगी कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, ताकि इसके माँ बाप बीच में ना आए, अरे उसको मैं लटका दूंगी, वो मेरे को क्या लटकाएगा, मैं उसको लटका दूंगी, क्योंकि मैं उसकी बड़ी आ पाऊँ, तुमको पता है तुम्हारे अब्बा को ना ये घोसला ऐसे लटकाई है, वो पता है बात, घोसला लटकाई तुम्हारे अब्बा को, इसको भी लटकाऊंगी ना तब पता चलेगा, इसको इसको नारियल के झाड़ पे लटकाऊंगी मैं, हाँ उल्टा लटकाऊंगी, सॉरी बोल दो बात खत्म कर, क्यों झगड़ा बढ़ा रहा है, अरे क्यों झगड़ा बढ़ा रहा है, सॉरी बोल बात कर, क्यों बढ़ा रहा है, सब लगा अगर मेरे को लगा फिर तू दे, हाँ हाँ डराओ मत, हाँ रुक अभी मैं शेरू और नूर को बता के तेरे को लटकाती हूँ, रुक मैं चुपके से नहीं लटकाऊंगी, मैं बता के लटकाऊंगी, तू देख, हाँ मैं आऊंगी, मेरा घर है वो, तो? अरे जा
मेरा घर है वो। ओ भाई साहब मेरा घर है वो, मेरा घर है वो। उसको घर का मतलब क्या समझते हैं मालूम? मेरे घर माला है ना, उसको ही अपना घर। हाँ तो तेरे घर पे तो वैसे भी मैं नहीं आती हूँ रे, कब आई तेरे घर पे? मैं तो मेरे अम्मी अप्पा के घर पे आती हूँ। हाँ तो मैं तेरे घर पे आती भी नहीं। और जरा गैस बंद करो, जल रही लगता दाल। मेरे को कोई नहीं मारता यूसुफ, मैं सबको मारती हूँ समझा? हाँ मैं तो मारूंगी अगर वो तेरा गलत में साथ देगी तो, मैं तो मारूंगी। पर अभी तुमने मेरे को मारे ना, ये तो पंडल लेना। नहीं रेजिनी, अभी इसने मेरे को बोल दिया ना मैं इसके घर पे नहीं आऊँ तो मैं तो आने वाली नहीं हूँ। सुनना, सुन रही क्या? मैं कभी नहीं आऊंगी अभी तुम लोग के घर पे, तू देख ले। फिर मैं भी नहीं, ये मेरे को बुलाएगा भी ना तो भी मैं नहीं आऊंगी, तू देख खाली। ये मेरे को बोलता है ना भूपू मेरे घर का हवा आओगे, तो अभी तो मैं आऊंगी इच नहीं, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं आना। उसमें तू भी मत जाना। क्यों? नहीं वो मेरी, उधर मेरी नानी है। पर लेकिन अगर नानी का घर है, अब वो मेरा भाई है। तो लेकिन वो मुझे मना कर रहा है माताओ, तो फिर पर वो मेरा भाई है, मैं उसके घर तो जाऊंगी। और वो मुझे मना कर रहा है उसका क्या? वो तो बस गुस्से में बोल रहा है, दो मिनट में भूल जाता है वो। नहीं अब तो मैं यूसुफ के घर पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मतलब वो घर पे तो जाऊंगी नहीं। मैं तो अच्छा बाबा तू चले जाना, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली, मैं कभी नहीं आऊंगी उस मत दे जीनी, तू देख लेना। यूसुफ मेरे को याद भी करेगा ना तो भी नहीं आऊंगी। नहीं मेरे को नहीं बोलेगा सॉरी, क्योंकि मैं आऊंगी इच नहीं, और वो मेरे घर पे नहीं आएगा, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगी, बात खत्म। कौन है तुम? मैं बात ही नहीं कर रही तुमसे, मेरे से बात मत करो। तुम भी मेरे से बात नहीं करो। मैं तो कर ही नहीं रही तुमसे बात। हाँ नहीं तो क्या? दिमाग है क्या तुम्हारे पास? कहाँ है? कहाँ पे रखे आए? वो तो इतना सी है, रहने दो, तुम्हारे पास कुछ दिमाग उमाग नहीं है। और मैं बात क्यों कर रही हूँ पर इससे? मत कर, नॉर्मल इसको, इससे कोई बात नहीं करेगा। हाँ नहीं तो क्या? देख देख मेरे को बोली कि घर पे, मेरे को बोला कि उधर मेरे घर पे मत आओ, मेरे घर में चप्पल पहन के घूम रहा, देख देख देख। रुका लेकिन, अच्छा ये सॉरी किस लिए? हाँ जीनी पे हाथ उठाया इसके लिए तुमने सॉरी बोला, और जो मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे जबान चला है, उसका क्या? अच्छा ऐसा गुस्सा नहीं होने का, मैंने तुमको बताई थी ना बड़े लोग से गुस्सा नहीं होने का। पक्का पॉमिश आएगा ना मेरे घर पे वापस? कब आएगा? वो बोलो तुम भी मेरे घर पे आना, वो तुम्हारा ही घर है पप्पू, सबसे पहले तो तुम्हारा ही था, सबसे पहले तो पप्पू ही चाहती थी वो घर में। मैं कुछ भगड़ा ले तो पप्पू अपने घर में आओ, तुम अपने घर में आओ बेटा, तू ही आ जा काफी है। अभी हंस के लाइक सब्सक्राइब करना, हंस के
तो ये थी हमारी, बोलते ना आर्ग्यूमेंट यूसुफ के साथ, अगर हम लोग चुप भी बैठ जाएंगे तो उसका बंद नहीं होता है, अगर उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है तो। बच्चा है वो, इसको हंसी मजाक में लेना, ज्यादा सीरियस मोड में मत लेना। हाँ, ये हम लोग का ये हमारा क्यूट कॉन्वर्सेशन था, इसमें कुछ निकालना मत प्लीज। वो लोगों को बोल रही जो बच्चों से लिटरली नफरत करते है वो, हाँ वो लोग बच्चों, बच्चे और बड़े में फर्क नहीं समझते, वो बच्चे और बड़े में फर्क नहीं समझते। वो कुछ चंद लोग होते यार, वो चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे है, उन्हीं का हाथ है हमें बुरा बनाने में। अब इससे मैंने बनाई थी रील, मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर रहा। चलो अभी मैं जाऊँ दाल देखने, जल गई मेरी दाल, मेरी दाल जल गई यूसुफ, सच्ची में दाल जल गई, दाल को भी सॉरी बोल। देखो ठीक हो गया, देखो देखो नॉर्मल हो गया, अभी सारा गुस्सा चला गया है ना। अच्छा अच्छा उज्मा अपन ने तुम्हारा सपोर्ट लिया, तुम्हारा साथ दिया, उसके लिए उज्मा अपन को प्यार करके आओ। चल मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, ये थी हमारी छोटी सी क्यूट कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।